आज की वीडियो में मैं बिना आटा गूंदे हुए मूली के पराठे और खट्टी मिट्टी चटनी बना के दिखाऊंगी। तो मैंने ये मूली, ताज़ा मूली ले ली हैं और इनको साफ़ करके छील के पत्ते काट लिए हैं और मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब इनको जार में मूली को पीसेंगे, साथ में हरी मिर्ची, अदरक और थोड़े से एक मुट्ठी मूंगफली के दाने और थोड़ा नमक डाल के इनको पीस लेंगे। पीसने के बाद इस तरह से हमारा पिस जाएगा और इसमें थोड़ा सा एक या दो चम्मच जितना आप चाहो उतना आटा या बेसन इसमें और थोड़ा सा पानी और अजवाइन लेके मिला के और बैटर बना लेंगे बढ़िया सा। इस तरह से हमारा ये बैटर बन जाएगा। अब हम मूली की चटनी बनाते हैं। तो मूली की चटनी बनाने के लिए वही सामान जो पत्ते और मूली का, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, टमाटर, इनको हमने जार में फिर से डाला है और हरा धनिया लेंगे, काट लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें जीरा डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और खटाई डाल के इस तरह से चटनी हमारी बन जाएगी। अब हम चटनी को छौंकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल के राई, जीरा, प्याज और टमाटर डाल के इनको भी हम भुनेंगे और इसमें हमने चटनी बनाई थी वो भी इसमें डालेंगे और थोड़ी हल्के मंद आँच पर इनको भी हम भुनेंगे। तो इस तरह से हमारी और खदकाएंगे तो हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो हम आगे इसे इसमें से थोड़ी सी चटनी, खट्टी चटनी निकाल लेंगे। तो हमने 2 से 3 चम्मच चटनी निकाल ली है और इसको मीठा बनाने के लिए इसमें गुड़ या चीनी डाल सकते हो, तो मैंने गुड़ डाला है और इसमें थोड़ा सा काला नमक और लाल कश्मीरी मिर्च डाल के इसको खदकाएंगे। अब हम आगे मूली के पराठे बनाते हैं। चटनी बन गई हमारी, मूली के पराठे बनाते हैं। तो मूली के पराठे हम इस तरह से हम बैटर को फैला लेंगे। इसमें हमने गाजर के टुकड़ों से इनको स्मैली बनाया है, इस तरह से हम इनको सेकेंगे। तो धीमे धीमे आग पर इनको भी सेकेंगे। तो हमारे ये बिना आटा गूंदे मूली के पराठे तैयार हैं। तो कैसे लगे हमारे बिना आटा गूंदे मूली के पराठे और खट्टी मिट्टी चटनी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। नमस्ते दोस्तों।